दिस क्वेश्चन इज फ्राम एस दाइडेंस और रूल ऑफ कुरान इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ अलाउड इफ़ नॉट प्रोहिबिटेड और इज इट प्रोहिबिटेड इफ़ नॉट अलाउड मे खास ये कुरान की बात नहीं आप कह रहे हैं ये फ़िक्र का मसला है, उसी के तो आप है आपका के, के, के जो चीज़ अनलाफुल ना बताई गई हो तो वो लाफुल है गौरबन तो आपको मतलब यही है शायद तो जब तक किसी चीज़ को डिक्लेर न किया जाए कि अनलाफुल है तब तक वो लाफुल रहेगी तो असल इसको कहते हैं फक्र में अल असलो फिलशिया अलबा चीज़ों में असल उनका जायज़ होना है यानी तमाम चीज़ें जायज़ हैं लेकिन जब तक किसी उनमें से किसी चीज़ को नाजायज़ न ना बताया जाए इस माने कि नाजायज़ एक्सेप्शन है और जायज़ रूल है असल फिलशा मग़रबा उसी को ये कह रहे हैं कुरान के रेफरेंस में तो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है इस मामले में यही है कि चीज़ों का जायज़ होना चीज़ों का लाफुल होना यह रूल है और किसी चीज़ का अनलाफुल होना यह एक्सेप्शन है